यहाँ पर विचित्रता क्या है, विस्मय की बात ही नहीं है। यहाँ पर घुट्टी में पिला करके गए हैं, कल की चिंता करो और वह काम में आ जाएगा। और बचत, ये बचत के में बीज राख फल भोग रहे जो किसान, और आज भारत का किसान रो रहा है इस शासन के सामने, ध्यान रखो, क्योंकि उसका प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा। पश्चिमी प्रबंधन से किसी भी विषय में प्रबंधन हो नहीं सकता, भारत तो भारत की यही नीति है, किसी के प्रबंधन से प्रभावित होने वाला नहीं। अपना प्रबंधन अपनी कुटिया में भी है और महाप्रासादों में भी है, ये प्रबंध काव्य हमें बता देता है, क्योंकि महाकाव्य की रचनाएं ऐसी बनती है जो कभी भी दूसरे प्रबंधन के सामने नतमस्तक नहीं होते। यहाँ सीख मिल जाएगी विदेशों को, आप लोग अपने आप के घर को भूल गए, बेघर मान रहे हैं, दूसरे के घर के आंगन में जाकर के खड़े हो रहे हैं, उनकी भाषा उनके भाव उनके सारे सारा स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये दयनीयता है। स्वाभिमान जागृत करो, इतिहास के पन्ने खोलो, एक पृष्ठ भी आपके लिए पर्याप्त होगा, कोई इतिहास पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हर विषय में यहाँ पर प्रबंधन था और उसी का परिणाम था, यहाँ से सभी वस्तुओं का निर्यात होता था, उत्पादन अनुपात में होता था और सस्ती चीजें यहाँ से विदेश में पहुंच जाता था, महंगाई नहीं और किसी को दबाव नहीं, सब लोग हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए कहते थे, और बदले में क्या लाते थे, सोना चांदी हीरे और मोती यहाँ पर फावड़े से लिए जाते थे। यहाँ पर गिनती भी उस समय नहीं होती थी, क्योंकि प्रभु की विनती छोड़ करके धन की जड़ की कौन गिनती करेगा, सुन रहे हो, ऐसा ये वैभव था। और क्या कहें, 70 साल के बाद हम क्या कहें, किंतु फिर भी कहने के भाव हुए बिना रहता नहीं, अपना ही नाती और अपने ही पोते यदि गलती कर जाते हैं तो भी बब्बा और रद्दा उसको संभाल लेते। इतिहास के पन्ने पढ़ करके सामने रख करके स्वाभिमान जागृत करने का पुरुषार्थ आज भी नेताओं के कुछ ऐसे हैं कर रहे हैं, अन्यथा शिक्षा की नीति के विषय में परिवर्तन की सोच किसकी है मुझे बताओ। जब जोर कर गया, अब इस प्रकार यदि हम नीति अपनाएंगे तो अवश्य ही मात खा जाएंगे। अभी दिन अस्त नहीं हुआ, सूर्य का करवट लेना हो गया है, ढलते ढलते की ओर है, किंतु इस जीवन का एक क्षण भी यदि सही सदुपयोग कर ले, जीवन को सब शांत सुख वैभवमय बना सकता है। इसलिए आप लोग ये अनुभवी व्यक्तियों की राय ले करके, इतिहास को खोल करके, स्वाभिमान को जागृत करके, अब हमें किसी भी देश के इतिहास पढ़ना नहीं, प्रबंधन सीखना नहीं, क्योंकि सिरमौर राष्ट्र अमेरिका ने इस दिशा में कहा भारत के अर्थशास्त्री सर्वोत्तम है, स्वीकार कर लिया। फिर भी आपको अपने बब्बा के ऊपर विश्वास, इतिहास को हम बब्बा और लड्डा कहते महाराज, हाँ, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में वो लिखा गया है, वो उसकी प्रशंसा वो नहीं कर रहे, ये सही बात मैं सही बात। फिर आखिर भारत की दशा हुई क्यों, हो नहीं सकती थी, अंतिम वाक्य हो नहीं सकती थी, फिर हुई क्यों, इसलिए हुई कि आपकी नीति से वो परिचित हो गए, भारत को हम किसी भी प्रकार से
झुका नहीं सकते, उसके ऊपर राज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक भारतीय का नागरिक ऐसा है, कैसा है, वह किसी के ऊपर आश्रित है ही नहीं। यहाँ का अर्थ, यहाँ का परमार्थ, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की दीक्षा, यहाँ की प्रणाली सारी अपने आप में अनूठी है, अन्य विदेशों में ये मिल नहीं सकते। हाँ, एक शर्त पर भारत के ऊपर राज कर सकते हैं, अब वह राज इसलिए अब नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय जागृत हो गए हैं, वो क्रांति लाए, इसलिए उस क्रांति के सामने अपने को तो अब झुकना ही पड़ेगा। लेकिन झुकते झुकते कुछ ऐसे काम भी हम कर सकते हैं, आप भाप नहीं पाए, इसलिए अब तैयार हो जाइए। तैयारी क्या है, हमने आधा घंटा पौन घंटे में आपके सामने रख दिया। पहले परिवर्तन में किसी भी प्रकार से अपने नेताओं के सामने अथवा जो पूर्वज है, जो उस परंपरा में आ रहे हैं, उनके सामने रखो, हम सुनेंगे नहीं। जापान का अनुकरण होना चाहिए, चीन का अनुकरण होना चाहिए, और कोई भी राष्ट्र थे उनका अनुकरण, उनकी उन्नति नहीं हो पाए, आपसे कई गुना वो उन्नत है। एक बार ठोकर लगता तो आपको उठना मुश्किल है, जापान के सामने उदाहरण हमने दे दिया, तीन चार बार उठ गया, अमेरिका जैसे कि भी नहीं सुना। और आज अर्थनीति उसके अंदर में है, छोटा सा देश है किंतु अमेरिका से बोलता है। इसराइल बहुत छोटा है, आपके नई दिल्ली के बराबर नहीं है, सुना, जब स्वतंत्रता हुई मिली तो वो कहता है आज से हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं अपनी ही भाषा में, हिब्रू भाषा में होंगे, और विज्ञान को अनुदित कर दिया, चिकित्सा को अनुदित कर दिया, प्रबंधन को अनुदित कर दिया, कृषि विज्ञान को अनुदित कर दिया, जितने भी विषय सब अनुदित हिब्रू भाषा में हो गए। भारतीयों, आप लोगों के पास कितनी भाषाएं, क्या आप इन सारे सारे विषयों को अनुदित नहीं कर सकते? मध्य प्रदेश में बैठे हैं, शुभ चिन्ह है, क्योंकि मध्य में ही भारत के बारे में सोचा जा सकता है मध्यस्थवा के साथ। यहाँ के CM ने, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने दो तीन वर्ष पूर्व में ये संकल्प लिया, और विज्ञान को, चिकित्सा को और प्रबंधन को, और एक विधि यानी न्यायपालिका, इन सारे सारे ग्रंथों को, संविधान शास्त्र को इंग्लिश में लिखा गया है, उसका हिंदी अनुमान करके आपके सामने देने वाले हैं। ऐसे यदि संकल्प लेते हैं तो कार्य क्यों नहीं होगा? अब संकल्प के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, गौरव की आवश्यकता है, स्वाभिमान की आवश्यकता है। आपके पास इसका अभाव है, मैं नहीं मानता।